राजेश कुमार नाम है और इसके हम जो आज वो कर चल रही है हमारी समाज, ये हमारा सारा समाज आज एक हो गया है और इस समाज के साथ हम अपना कारवा लेके चल रहे हैं। बाबा आप जो भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिखाए रास्ते उस पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ तो छिन चुका है, अब क्या बाकी है। हम चाहते हैं हमारा सारा जो हमारा छिना है एससी एसटी का वो हमें वापस दिया जाए, और जब तक हम लड़ते रहेंगे जय भीम जय भीम। आप कह रहे हैं जो हमारा छिन चुका है हमें वापस चाहिए, हाँ। लेकिन सरकार बनाने में आपका पूर्ण योगदान रहता है, आपने उन सरकारों को बनाया है जो आप पे हमेशा अटैक करते हैं। ये भारत सरकार जो आप इस टाइम आपको पता है किसकी है, जो भारत सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े कानून मंत्री उन्होंने बनाया है, आपने लोगों ने बनाया ना, हमने हम उसको नहीं कहते, हमारा समाज जो है इतना बड़ा समाज है तो हमने नहीं बनाया उसको। एडवोकेट प्रदीप सिंह, एडवोकेट प्रदीप सिंह जी, तो एडवोकेट साहब जो है इस तरीके का एक घाव ठीक नहीं होता दूसरा घाव दे दिया जाता है, और बाबा साहब ने कहा था कि जिस समय 20 हमारे इंजीनियर होंगे, 20 डॉक्टर होंगे और 20 वकील होंगे तो हमारे समाज को बड़ा अच्छा ठीक रहेगा, लेकिन वो आज तो लाखों की तादाद में, लेकिन हमें पढ़ने का हक दिया जाता है, हमें तो दूसरे कानून में लगा देता है, कभी किसी में दारूबाजी में जुएबाजी में लगा देता है, हमें पढ़ने का देते हैं, जो पढ़ता है उसे आगे बढ़ने नहीं देते, पढ़ने की कोशिश करते तो उसे मार दिया जाता है, बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसे मार दिया जाता है, या जिंदा जला दिया जाता है, या उसके समाज के साथ कोई गलत काम कर दिया जाता है। हम ये अत्याचार आप नहीं सहेंगे, ये तो सभी का मानना है कि हम अत्याचार नहीं सहेंगे, और उस समय बहुत रोष है, रोष के कारण आवाम पूरी रोड पे आ चुकी है और आवाम को रोकना आसान नहीं है। कहा जाता था कि सभी लोग इस समय पूरे इकट्ठे होकर और इसमें जो आप पैदल मार्च देख रहे हैं, तो तादाद के अंदर महिलाओं ने बहुत बड़ी योगदान लिया और महिला इस समय आक्रोश के अंदर है, या तो जो हमारा संविधान के अंदर एक्ट दिया था उसे वापस कर दो, नहीं तो हम इसी तरीके से रोड पर रहेंगे। कैमरामैन रतन के साथ मनोज कुप्पल।